दानिश जो सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसका पहला नाम होता था सेल्फ फाइनेंस सेकंड शिफ्ट, तो इसी में पढ़ के गए। वो सन 2002 में यहाँ से उन्होंने ट्वेल्थ कॉमर्स किया था, वो इलेवेंथ में यहाँ पर आए थे जामिया में। वो बड़े एक होनहार स्टूडेंट थे। सबसे पहले तो ये कि वो जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है कि अपने सिर्फ किताबें पढ़ना और उसी में पूरी ज़िंदगी उसमें इन्वॉल्व रहना, वो उस तरह के मिजाज के तो नहीं थे। मतलब थोड़ा पढ़ के ज़्यादा जान लेने वाला स्टूडेंट वो उस तरह के रहे। और दूसरा ये कि बहुत ही फ्रेटर्नल टाइप के थे, लोगों में बहुत पॉपुलर थे, अपनी क्लास में भी टीचर्स में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। और हमेशा जो है वो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते थे चीज़ों में। ये बहुत बड़ा लॉस है पूरे इंडिया के लिए, मतलब सारे फोटो जर्नलिस्ट के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड में सब लोग, मतलब कोई ऐसा फोटो जर्नलिस्ट नहीं हुआ है पूरी दुनिया में जो आज उनको याद नहीं किया हो, होगा उनके डेट पे उनके काम को नहीं देखा होगा। हर कोई उनको जानता है पूरे वर्ल्ड में, लोग आज उनका काम हिस्ट्री में लोग उनको याद करेंगे। जब तक ये दुनिया है तब तक उनके काम को याद किया जाएगा। मुझे लगा कि उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है, वॉर वॉर ऑलरेडी कवर के लिए बहुत ही, मतलब इतने एक्सपीरियंस है उनको, कुछ नहीं होगा, मुझे न्यूज़ आ जाएगा खुद ही। वो अपने ट्विटर से डालेंगे कि मेरे बारे में गलत न्यूज़ चला है, मैं जिंदा हूँ अभी। मुझे पूरा यकीन था, अब मानेंगे नहीं। मुझे जब पता चला, लगभग 3-4 बजे तक मैं वेट करता रहा कि वो ट्वीट करेंगे, मैं बिल्कुल किसी की बात नहीं मानूंगा। बट किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर जब उनके बॉडी की फ़ोटो भेजी तो मुझे इतना ज़्यादा ट्रिगर किया। जब भी वो फ़ोटोज़ लेते थे उनके अपने कैरेक्टर को फॉलो करते थे कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मतलब बहुत ही डीपली अंदर जाते थे। ऐसा नहीं कि फ़ोटो लेके निकल गए। सेम केस जुबैर के साथ भी, उनसे मिला, उनसे पूछा, जब उनको पता चला कि मैंने उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि वो जिंदा है, मुझे याद भी याद है, वो मतलब कलमा पढ़ने लगे कि अल्लाह का शुक्र है कि वो इंसान जिंदा है। मैं सोच नहीं सकता, मैं डिप्रेशन में था कि वो इंसान को क्या हुआ। ये वही लिंक है जो अफगानिस्तान में उन्होंने लास्ट स्टोरी की थी, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया पर्सनली। ये चैट कभी मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा। कॉल करते थे, मिस कर गया, लोकेशन हमेशा मुझे मांगते थे, कहाँ हो तुम, अपना लोकेशन भेजो। ये भागलपुर में जब थे तब उन्होंने मेरे से लिया था। बहुत खुश हुई कि मेहरबान, ये बहुत अच्छी फ़ोटो है, पीछे बंदर है, लंगूर है, तुमने मेरी फ़ोटो ली है। बहुत खुश थे। ये होटल में थे जब हम लोग, तब की फ़ोटो है। ये मतलब ICU में जाने से पहले तब वो तैयार हुए थे, तो मैंने इनकी एक पोर्ट्रेट ली थी। मतलब इतना फास्ट रहता था, मतलब इनका मुझे ऐसा लगता है इतना बॉडी हैवी है, कैसे ये फास्ट काम करते हैं, मतलब इधर से उधर एकदम हमेशा, मतलब लेकिन ये हमेशा मतलब अपना काम भी कर रहे हैं, साथ में रवीश कुमार को भी सुन रहे हैं NDTV पे। ये सब मैं मिस करूँगा, वो किस तरीके से मतलब गाड़ी में सोते रहते थे, मैं उनका पीछे से फ़ोटो लेता रहता था। ये फोटो, मैं बहुत परेशान था, मैं अपनी दुख भरी कहानी हमेशा सुनाता था, सर मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ। कह रहे मेहरबान तुम्हारे पास यहाँ पे रहने के लिए घर भी है। मैं जब मुंबई गया था तो जो मेरा घर था ना, तो मैंने उसका नाम जूता रखा हुआ था, क्योंकि वो जूते का सेप का था और वो इतना छोटा था कि मैं उसमें खाना भी नहीं बना सकता था, और वो पानी चूता था उसमें। मैं कैमरा रखने के लिए मैंने जगह खोजा था कि मैं कैमरा कहाँ रखूँगा उस घर में, और फिर खाना नहीं बनाते थे रूम पे, ये बाहर में बड़े पाव ये सब खा के, स्ट्रीट फूड खा के इन्होंने अपना लाइफ रखा। बोला कि जब ये बात मेरी अम्मी को पता चला तो मतलब वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, बट फिर भी वो इतना स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनके फादर, वो उनकी अम्मी बहुत परेशान हो गई, मुझे बताया उन्होंने, तो उनके फादर ने बोला कि छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, अपना स्ट्रगल कर रहा है। उसने एक रास्ता दिखाया है लोगों को कि आपको अगर जर्नलिज्म करना है, आपको कहीं फोटोग्राफ लेना है, कोई इवेंट, कोई स्टोरी अगर कवर करनी है, बहुत हकीकती के साथ सामने लाया जाए।
ग्राउंड पर जाकर के काम किया जाए, विदाउट खौफ जो है काम किया जाए। हमारी जो मुलाकात हुई थी वो एनआरसी सीए प्रोटेस्ट के दौरान फ्लाईओवर पर हुई थी। वो वहाँ से खड़े होकर कुछ तस्वीरें शाहीनबाग में जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी उनकी क्लिक कर रहे थे, और मैं उनके पास गया था और मैंने कहा था कि दानिश भाई, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ और मैं आपको हमेशा ट्विटर पर फॉलो करता हूँ और आपकी तस्वीरें देखता रहता हूँ। माशाल्लाह आपकी जो तस्वीरें होती हैं वो सबूत के साथ होती हैं। जनरेशन जो बच्चे हमारे एमसीआरसी के या दूसरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं जर्नलिज्म, वो दानिश को अपना आइडियल बनाए। पता नहीं मुझसे ना फेस नहीं मैं भूल पा रहा हूँ उनका। मैंने उनका मरा हुआ चेहरा नहीं देखा, मैं नहीं भूल पाता। वो मेरे लिए और ट्रिगर करता है कि मैं जब तक ये दुनिया रहती मैं तब तक वो फेस हमेशा बार बार रिपीट करता। वो मैं मेरे दिमाग में वो उनका सिर्फ हंसता हुआ चेहरा है और उनके शटर बटन प्रेस करने का आवाज़, कुछ हमारे हंसी मजाक, वही सब मैं उन्हीं में मैं रहना चाहता हूँ। मैं उनका मरा हुआ फेस नहीं देखना चाहता था, मैंने नहीं देखा उनका। मैंने उनको कंधा दिया, मैंने उनको मिट्टी दी, बट मैंने मरा हुआ फेस नहीं देखना चाहता। मुझे बहुत ट्रिगर करता, मैंने नहीं देखा वो मरा।